हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मूली के पत्ते और मिक्स दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाया हूँ, यकीन मानिए हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी मेरी रेसिपी से एक बार सब्जी जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने 1 किलो मूली लिए हैं। ये मूली के पत्तों को तोड़ लेंगे। मूलियों को तो हटा देंगे। इस वाले पार्ट को हटा देंगे। अब इन पत्तों को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब इन पत्तों को किसी बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। अब इनको हम करीब 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पानी से धो लेंगे। ये मूली के पत्तों को देखिए, मैंने करीब 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है। और सब्जी बनाने के लिए देखिए, मैंने पॉट लिया है और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। अब इस पॉट में देखिए, मैं करीब 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड करूंगी। मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप चाहो तो इसमें दूसरा ऑयल भी ले सकते हो। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब देखिए, मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है और करीब 12 से 15 लहसुन कली लिए हैं। इनको इस तरीके से कट कर लिया है। जीरा लहसुन को इसमें डाल देंगे। लहसुन के हल्का सा फ्राई होने तक बघार को पका लेंगे। अभी देखिए, एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है और 2 हरी मिर्च ली है। इनको धोने के बाद मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये प्याज हरी मिर्च को इसमें डाल देंगे। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे, प्याज हरी मिर्च को भी लहसुन के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हरी मिर्च भी देखिए हल्के से फ्राई हो चुकी हैं। अभी मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको भी देखिए धोकर किस तरीके से कट कर लिया है। टमाटर को इसमें डाल देंगे। ये टमाटर को हल्का सा चलाएंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है। इसमें मिर्ची और नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अभी सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी फ्लेम को मीडियम रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये मसालों की देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें से हम थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा रोगन निकाल लेंगे। इसको हम बाद में डालेंगे। अब इसमें मूली के पत्तों को डाल देंगे। अब ये देखिए, मैंने 150 ग्राम मिक्स दाल ली है। दाल को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। ये दाल को भी इसमें डाल देंगे। ये दाल को मैंने सिर्फ धोया है, इसको भिगोए नहीं है। ये दाल को मूली के पत्तों को भी हल्का सा चला देंगे। अब इसमें हम जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। तो देखिए, मैं इसमें करीब 1.5 गिलास जितना पानी डालूंगी। ये पानी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी फ्लेम को हाई कर देंगे। इसमें देखिए खदकियाने स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसको हम एक बार और हल्का सा चला देंगे। अभी पॉट को ढक देंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको ढककर करीब 12 से 15 मिनट पकाएंगे और दाल को अच्छे से गला लेंगे। आप आपके हिसाब से दाल के अच्छे से गलने तक इसको पका लें। इसको लो फ्लेम पे पकते हुए देखिए करीब 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चला करके दाल को चेक कर लेंगे, दाल गली है या नहीं। दाल अभी थोड़ी सी कच्ची है। अभी हम इसको ढक करके 3-4 मिनट और पकाएंगे।
मैंने इसमें मिक्स दाल ली है, अगर आप चाहो तो आपकी पसंद के हिसाब से इसमें दाल ले सकते हो। दोबारा से भी देखिए, इसको लो फ्लेम पे पकते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। ये दाल भी देखिए अच्छे से गल चुकी है। अभी दाल को हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमने जो रोगन और मसाला निकाला है इसको इस पर डाल देंगे। अभी दाल को सर्व करने के लिए डिश आउट कर लेंगे। इस दाल को आप बना करके हरी मिर्च के टिपोरे या फिर अचार के साथ सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगती है। अभी मैंने थोड़ा सा रोगन और मसाला बचाया है, इसको भी इस पर डाल देंगे। अभी हमारी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार ये सब्जी जरूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।